Hey kids, how are you all? Hope you're fine, healthy and you're enjoying. बच्चे आज का हमारा टॉपिक है जीके. अब हम पढ़ेंगे कॉन्वर्सेशन क्वेश्चंस. हमने फर्स्ट टू फाइव क्वेश्चंस पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में. सेकंड वीडियो में हमने पढ़े थे 6 to 8, दैट इज हमने 3 क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस वीडियो में. अब हम पढ़ेंगे 9 to 13, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के लास्ट पार्ट है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, आज हम 5 क्वेश्चंस लर्न करेंगे. अब आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे और फिर साथ साथ लर्न भी करोगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. यू ऑल हैव टू पे अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट विल यू से इफ यू वांट टू एंटर द क्लासरूम. अगर आपको क्लासरूम में आना है, सपोज आप बाहर गए हुए हो या कोई स्कूल आए हो, मैम ऑलरेडी क्लास में है और आपको क्लासरूम में आना है, तो आप क्या बोल के आओगे? ऐसा नहीं हो सकता ना आप डायरेक्ट क्लासरूम में आए, स्कूल में एंटर करो, डायरेक्ट क्लासरूम में आए, ऐसे नहीं होता. तो आप क्लासरूम में एंटर करने से पहले क्या बोल के अंदर आओगे? प्लीज मे आई कम इन मैम. व्हाट विल यू से? प्लीज मे आई कम इन मैम. अंडरस्टूड? अब रिपीट करते हैं. क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू से इफ यू वॉन्ट टू एंटर द क्लासरूम? प्लीज मे आई कम इन मैम. और जब आप आते हो तो क्या होता है बच्चे? योर हैंड्स शुड बी एट द बैक. ठीक है, प्लीज मे आई कम इन मैम. ठीक है, आंसर समझ आया? अभी हम रिपीट भी करेंगे, पहले हम लर्न कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट विल यू से इफ यू वॉन्ट टू एंटर द क्लासरूम? प्लीज मे आई कम इन मैम. अंडरस्टूड? Moving on to the next question, what will you say if you want to go to the washroom? अब अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप मैम से परमिशन कैसे लोगे? मैम प्लीज मे आई गो टू द वॉशरूम. आप पहले मैम के पास आओगे ना, तो एकदम से नहीं बोल सकते ना प्लीज मे आई गो टू द वॉशरूम. पहले बोलोगे मैम प्लीज मे आई गो टू द वॉशरूम. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, What should you say when you sneeze? जब आपको sneezing होती है तो आप क्या बोलोगे? अगर आप कहीं लोगों के साथ बैठे हो या students के साथ बैठे हो या कहीं भी बाहर relatives के साथ, friends के साथ कहीं भी बैठे हो और एकदम आपको sneeze हो जाता है, तो आप कैसे बोलोगे? Excuse me, please. ठीक है, Excuse me, please. बच्चे एक manners है जो कि हमें सीखने चाहिए, ये good manners है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड यू से व्हेन यू मेड द मिस्टेक. जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. पहले हम सॉरी बोलते हैं और फिर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉरी का मीनिंग ही क्या है? कि हम उस गलती को अब माफ कर दी जाए और हम आगे रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, चाहे हमसे पेरेंट्स से कोई, हमारे पेरेंट्स के आगे कोई गलती हो जाती है या टीचर के आगे या फ्रेंड्स के आगे, तो हमें क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. और जब हमसे कोई मिस्टेक होती है ना, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर. आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, What should you say when someone gives something to us? Suppose आपके घर relatives आते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो आपको कुछ gift देके जाते हैं या आप उन्हें कुछ देते हो. But ज़्यादातर क्या होता है, जब हमें कोई हमारे birthday पे आता है या कहीं हम जाते हैं या कहीं हमारे घर कोई आता है, अगर हमें कोई कुछ देता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? We should say thank you. ये नहीं कि उन्हें ऐसे बोले वी शुड से थैंक यू, उन्हें थैंक यू ही बोलना है सिर्फ. बट हम आंसर को शॉर्ट में लर्न नहीं करेंगे. हम कैसे लर्न करेंगे? वी शुड से थैंक यू. ठीक है, अब हम रिपीट करते सारे क्वेश्चन आंसर्स. अब आपको लर्न करना है. ठीक है, अभी हमने समझे सुने, अब हम लर्न करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू से इफ यू वॉन्ट टू एंटर द क्लासरूम. क्लासरूम में एंटर करने के लिए क्या बोलते हैं? प्लीज मे आई कम इन मैम. क्या बोलेंगे? प्लीज, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, प्लीज मे आई कम इन मैम. अंडरस्टूड? सेकेंड इज, व्हाट विल यू से इफ यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम. अगर आपको वॉशरूम जाना है तो क्या बोलोगे? मैम प्लीज मे आई गो टू द वॉशरूम. क्या बोलोगे बच्चे?
Ma'am, please may I go to the washroom? Third question is, what should you say when you sneeze? जब आपको sneeze होता है तो आपको क्या बोलना चाहिए? Excuse me, please. क्या बोलना चाहिए? Excuse me, please. ठीक है? Fourth question is, what should you say when you made the mistake? जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या बोलना चाहिए? I am sorry, I will not repeat it again. I am sorry, I will not repeat it again. Understood? Last question is, what should you say when someone gives something to us? अब जब हमें कोई चीज़ देता है तो हमें क्या कहना चाहिए बच्चे? We should say thank you. Understood all the questions? अब बच्चे आपका होमवर्क क्या है? अब आपको ये 5 के 5 कन्वर्सेशन क्वेश्चंस लर्न करने हैं. ठीक है? आपको मैम की वीडियो देखनी है और इनको हैंड टू हैंड लर्न करना है. ठीक है? Hope you all have understood. Thank you.